टोटल गाड़ी हमारी चली 240 किलोमीटर और हमारा जो है टोटल अर्निंग हुआ। राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सबका दिन मंगलमय हो। और बजने वाले हैं सुबह के 10। हमने सुबह लॉगिन कर ली थी 5 बजे डिवाइस। एक बुकिंग आई थी मंदना से जो कि फेक थी, कस्टमर ने तुरंत कैंसिल कर दी। दूसरी बुकिंग इंदिरानगर से आई थी, नेटवर्क ना सही ना होने के कारण वो बुकिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो लखनऊ एयरपोर्ट की थी तो बुकिंग तो पास हो गई, हमारे दोस्त के पास चली गई, वो लेके जा रहा है। और फिर जो हम जिस बुकिंग में आए हुए हैं वो 4 घंटे की रेंटल है। अपने यहाँ सिंहपुर से रुद्रा से पीछे से पिकअप करना है, इनको गुमटी वगैरह ले जाना है, फिर वापस यहीं आके छोड़ देना है। तो शायद 1 या 2 बजे तक खाली हो जाएंगे, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे क्योंकि उधर से हमें लखनऊ पहुंचना ज़रूरी है यहाँ से 4 बजे तक, और उधर से हमें पिकअप करके लाना है कस्टमर को नवाबगंज, जो कि कुछ दिन पहले हम प्राइवेट ले गए थे 1600 रुपये में, और उनको उधर से 1600 रुपये में ही वापस लाना है। तो अब देखते हैं इस ट्रिप में हम कितने में छूट पाते हैं, फ्री हो पाते हैं, और ओला उबर लॉगिंग होंगे और देखते हैं कितने बार फिर हमको राइड मिलती है जो कि हम कस्टमर के पास वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो करते हैं थोड़ी देर वेट और इनको हम पिक करने के बाद ले जाते हैं, इनको घुमाते हैं, क्योंकि रेंटल की बुक है, 7 रुपये रहेंगे 4 घंटे हमारे। ये 4 घंटे के बाद वापस इनको यहीं छोड़ देंगे, ओला उबर लॉगिन करेंगे और हमें लखनऊ पहुंचना भी ज़रूरी है 4 बजे तक। अगर 1 घंटे लेट भी हो जाएगा तो बोल देंगे कस्टमर से कि सर वेट कर लीजिए, आ रहे हैं हम रास्ते में, तो आधा 1 घंटा तो मैनेज हो जाएगा। अब यह है कि 4 घंटे की रेंटल जितनी जल्दी हमको ये छोड़ देंगे उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। तो चलिए करते हैं वेट और कस्टमर के आने का, उसके बाद बताते हैं फेयर कितना बना हुआ है और कहाँ कहाँ कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली हुई है, सारी डिटेल आपको देंगे। कस्टमर हमारे पीछे गाड़ी के आ चुके हैं। हेलो भाइयों, हालांकि रेंटल हमारी 4 घंटे की पूरी हो गई है और कंपनी ने हमें टोटल बिल 1100 रुपये बना था, कंपनी ने हमें 900 रुपये लगभग दिए। तो राइड कंप्लीट होते ही हमारे पास एक उबर से राइड आई हुई थी, हमने कस्टमर से बात की, NRI हाइट जो अपना मैनाती मार्ग पर पड़ता है वहाँ से पिकअप करना था। भाई जाना था बाराबंकी, अब उबर का खेल देखो भाई, बाराबंकी बस स्टॉप के पास में कहीं जाना था, गाड़ी लगभग हमारी 130 किलोमीटर गाड़ी चलती और फेयर दिखा रहा था 1300 रुपये। भाई तो हम कैसे चले जाते इतने कम में। तो भाई उस बुकिंग को हमने कर दी कैंसिल, फिर ओला जैसे ही OTP डाल के ट्रिप को एंड की थी, रेंटल की जो बुकिंग थी, तो भाई जैसे एंड की ओला ने तुरंत ही हमको दे दी भाई, जो कि यहाँ जो पिकअप है हमारा IIT कानपुर से पिकअप है और ड्रॉप है इनका, ड्रॉप तो अंदर डाल रखा है अवध बिहार योजना का, लेकिन जब बात की तो उन्होंने बोला नहीं हमें एयरपोर्ट ही जाना है, तो हमने उनको बोल रखा कि भैया हम अंदर नहीं जा पाएंगे, हम अमौसी एयरपोर्ट के अंदर तो चलेंगे लेकिन लखनऊ अंदर सिटी में नहीं जा पाएंगे। तो बोले ठीक है जी, कहीं नहीं, हमको लखनऊ एयरपोर्ट ही जाना है, फ्लाइट पकड़नी है। तो कस्टमर से हो गई बात, हम कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे 1/2 घंटे पहले आ गए हैं, बल्कि 45 मिनट पहले आ गए हैं, और आके हमने फ़ोन करके बोल दिया कि भैया हमारी गाड़ी में CNG नहीं है और अभी हमें CNG भी लेनी है, तो प्लीज़ 10 मिनट का समय हमारे लिए लेके चलिए क्योंकि गाड़ी में CNG डलवानी गाड़ी में है नहीं। बोले ठीक है बस आप 10 मिनट रुको, अभी मैं आता हूँ। तो भाई कस्टमर से बात होने के बाद हमने यार यहाँ पे अभी बैठे सोच रहा था यार कि IIT के अंदर आने पे अलग ही मज़ा है, अलग ही दुनिया महसूस होती है। वो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ की सड़कें वगैरह देखो एकदम सुनसान सा एकदम माहौल लगेगा। ये देखो विस्टर हॉस्टल 2 है जिसके बाहर कस्टमर ने हमको बुलाया है और हम यहीं पे भाई खड़े हैं। देखो कितना जो है शांति है यहाँ पे। आप यहाँ पे गाड़ी लेके आएंगे तो स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर हावर के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं तो आपको जगह जगह सिक्योरिटी लगी आपको रोक लिया जाएगा और प्यार से समझाया जाएगा। समझोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो भाई ब्लैक लिस्ट डाल देंगे, आपकी एंट्री दोबारा नहीं होगी। आपको लिमिट में नहीं भगाना है, हॉर्न का प्रयोग नहीं करना है, तेज म्यूजिक नहीं चलाना है, पान मसाला बीड़ी सिगरेट धूम्रपान यहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं है भाई। और पर्ची बनवा के सिस्टमेटिक तरीके से आना है, जहाँ की पर्ची बनी है, मान लो हमारी ये जिस हॉस्टल की बनी होती
अभी क्या विस्टर हॉस्टल 2 में आए तो हम यहीं पे ही पार्क में लगा सकते हैं, गाड़ी खड़ी हो सकते हैं, अन्यथा हम कहीं भी नहीं खड़े होंगे, नहीं सिक्योरिटी वाले आ जाएंगे, बोलेंगे आप यहाँ कैसे खड़े हैं, आपकी पर्ची देखी जाएगी, अगर वहाँ की हो, वहाँ की पर्ची बनी है तब तो आपको ठीक है, बोलेंगे ठीक है आप वेट कीजिए, अगर जो आप गलत जगह खड़े हो दूसरी डिस्टेंशन पे तो भाई आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, प्यार मोहब्बत से बोलेंगे, अगर तो प्यार की भाषा समझते होगे तो ठीक है, नहीं तो उनके पास दूसरे हथकंडे भी हैं। तो भाई यहाँ आके बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा ही मज़ा आता है। अब कस्टमर करते हैं वेट और इनको ड्रॉप करते हैं, देखते हैं प्राइवेट बुकिंग का हमारा क्या होगा, क्योंकि प्राइवेट बुकिंग पहले 2 बजे बोले थे, फिर 4 बजे बोले, आज बोले 3 बजे आ जाइएगा, तो अब 2:30 बजे यहाँ से निकलेंगे ही, तो भाई 3 बजे कैसे पहुँच पाएंगे, उनसे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ इसलिए कि यार हम बोल देंगे कि आ रहे हैं, रास्ते में जाम लगा हुआ है, या कुछ भी बता देंगे, सच ये बता देंगे कि नहीं हम लेट ही निकले हैं, आपको वेट करना है तो भाई कीजिए, नहीं तो हमारी ओला जिंदाबाद है। तो ठीक है, कस्टमर करते हैं वेट और ये बुकिंग ड्रॉप करते हैं, देखते हैं फेयर कितना आया हुआ, उसके बाद का अपडेट आपको बताते हैं, तब तक हमारे वीडियो में बने रहिए। ऑलरेडी कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया है, जिनको कि ड्रॉप करना था हमें लखनऊ एयरपोर्ट, और इन्होंने लोकेशन कहीं और की डाली थी, इनका किलोमीटर ज़्यादा दिखा रहा था लेकिन गाड़ी चली थी कम ही, लेकिन कंपनी ने पूरे का बिल बना दिया जितना कि किलोमीटर इन्होंने जहाँ के डिस्टेंशन डाली थी। तो भाइयों फ़ायदा हो गया, रुपये 1200-1300 रुपये के आसपास हमको मिले हैं। तो अभी हम आए आलमबाग नहरिया पे, अब अपनी प्राइवेट बुकिंग को पिकअप करने जा रहे हैं, कस्टमर से बात हो चुकी है, बोले भैया आ जाइए, तो हमने बोले 15 से 20 मिनट रुकिए हम आते हैं, बोले ठीक है हम रेडी होते हैं, जब तक जब तक रेडी होंगे जाएंगे तब तक हम पहुंच ही जाएंगे। और भाई आलमबाग नहरिया पे देखो इस समय क्या जाम लगा हुआ है, हालांकि 2-3 बार में निकल जाएंगे, जाम नहीं कह सकते हैं, ये रेड लाइट वाला एरिया है, मतलब रेड लाइट का कहने मतलब ये है सिग्नल वाला एरिया है, ये सिग्नल की वजह से गाड़ी हमारी चल रही धीरे धीरे। और भाई जो कस्टमर हमारे साथ में थे, एक लेडीज थी एक जेंट्स थे, मतलब एक स्टूडेंट था उसकी माँ थी, भाई उसकी माँ इतनी पकाऊ थी, गाड़ी भगाने नहीं दे रही भैया, वो बोल रही भैया चलो 30-40 की स्पीड में 50 में, हमने कहा मैडम हाईवे है, वैसे भी हमारी गाड़ी 80 से ऊपर भाग नहीं सकती है क्योंकि इसमें स्पीड गवर्नर लगा हुआ है, और हम 30-40-50 की स्पीड में चलेंगे तो मैडम हमारा बहुत ज़्यादा जो है फ्यूल लग जाएगा, जितना आप पैसा देंगे हमारा सारा फ्यूल में ही चला जाएगा। कई बार टोकती रही लेकिन धीरे धीरे करके हम अपने स्पीड से ही चलाएं, जब वो बोले थोड़ा सा कम कर दें स्पीड, थोड़ा सा 50-60 की स्पीड में आ जाएं, और जब वो थोड़ा सा उनका ध्यान नज़र भटके फिर 80 पे हम तान दें, तो भाई बड़े मुश्किल से जो है, वैसे हम 2 घंटे में पहुँचा देते हैं लेकिन 15-20 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, हम सोच रहे थे यार जल्दी जितनी जल्दी पहुँच जाएंगे इस कस्टमर के पास पहुँच जाएंगे, इसने 2 बजे का टाइम दिया, फिर 4 बजे का टाइम दिया, अब 4:30 बजे यहीं बज रहे इनको छोड़ते, क्योंकि 2:30 बजे का पिकअप था उनका, 2:30 बजे पिकअप करके 4:30 बजे छोड़ दिए हैं, मतलब 2 घंटे लग गए हैं, बल्कि 15 मिनट उधर से हम पहले पहुँचे थे, कस्टमर 2 बजे ही बाहर निकला है, तो हमने बोला था हमें CNG डलानी है, रास्ते में 10 मिनट हमको लगेंगे, तो बोले थे ठीक है, इसलिए वो 2 बजे ही बाहर निकल आए थे, और लड़के के दोस्त वगैरह थे तो सारे लोग मिलजुल रहे थे, 10-15 मिनट उधर लग गया था सामान वामान रखने में, और मिला भेटी में, तो हम 2:15 बजे निकल लिए होंगे, 15-20 मिनट इन्होंने ज़्यादा लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं कस्टमर को पिक करते हैं, ये तो हमारा प्राइवेट कस्टमर है। वो आप लोग बोलेंगे भाई प्राइवेट आप काम बहुत करते हो, कंपनी तो आपको इतना अच्छा दे रही, फिर आप कंपनी का पूरा क्यों नहीं करते हो, चाहे तो 2-2 राइड हम मार सकते हैं, लेकिन भाई क्या है ना कि 2-2 राइड मारने को तो आज मार लेंगे, आज कंपनी दे रही है लेकिन कंपनी का कोई भरोसा नहीं, कल से हमारा बंद कर दे, परसों से बंद कर दे, तो ये प्राइवेट के कस्टमर ही फिर हमारे हमेशा रहते हैं भाई, बुकिंग कंपनी दे रही है ओला आउटसन तब भी हमारे ये रहते हैं, और नहीं देगी तब भी हमारे यही काम आएंगे, तो हम दोनों को मिला जुला के भाई गाड़ी चलाते हैं पर डे लगभग एक, अब कल देखो जो है हमने एक प्राइवेट मारी थी अपना जो है IIT से उठा के गए थे, वो हाथीपुर गांव पेपर था बच्चे का, उसको छोड़ने गए थे, 1000 रुपये उससे लिए थे, एक प्राइवेट उधर मारी थी, फिर ओला उबर चलाए थे, वैसे ही आज 4 घंटे की रेंटल करने के बाद फिर जो है हमने जो है ओला की आउटसन ये चालू की है, और फिर इधर से हम प्राइवेट ले जाएंगे, तो कुल मिला के एक प्राइवेट और प्लस जो है कंपनियों का काम मिला जुला के चलता रहता है, हमेशा हमारा साथ देगा, कंपनी भी मेंटेन किए हुए हैं और प्राइवेट कस्टमर भी जो अपने बनाए वो भी मेंटेन किए हुए हैं, हालांकि इस समय कंपनी बात काम बहुत दे रही है, चाहे तो प्राइवेट वालों को मना कर दें लेकिन उससे हमारा ही घाटा होगा, आज मना कर देंगे कल हमें जरूरत होगी कंपनी तो साथ देगी नहीं भाई, रहेंगे हमारे प्राइवेट वाले,
तो भाइयों आप भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें, प्राइवेट कस्टमर को ज्यादा प्राथमिकता दिया करें। कंपनी तो हमेशा रहेगी या कंपनी आती जाती रहेगी, कंपनी कभी काम दे रही कभी नहीं दे रही है। तो चलिए फिर हम कस्टमर को पिक करते हैं, उसके बाद फिर आपको अपडेट देते हैं। हाँ तो भैया लौट के हम आ गए कानपुर, प्राइवेट कस्टमर को लेके आए थे और उनको ड्रॉप भी कर दिए नवाबगंज में। और टोटल गाड़ी हमारी चली 240 किलोमीटर, हमारे यहाँ घर से हम जीरो करते हैं और लगभग घर पहुंचने वाले हैं। सीएनजी अभी यहाँ फुल कराई, 700 रुपए का हुई है। तो भाई 240 किलोमीटर में अब गैस ये मान के चलो टोटल हमारी लगी होगी जो कि 1000 रुपये मान लेते हैं मोटा मोटी, और हमारा जो है टोटल अर्निंग हुआ है 1600 रुपये ये, तो प्लस 2200-2300 रुपये ओला में, तो 16, 17, 18, 19 अरे 3000 रुपये मान लेते हैं, 1000 रुपये खर्चा, फिर भी 2000 रुपये की हमारी लगभग जो है बचत रही। नहीं बचत तो ज़्यादा हुई है यार, 1600 ये और 2300 मतलब 4000 रुपये लगभग जो है 3000 रुपये की बचत मान लेते हैं मोटा मोटी। तो भाइयों आज का दिन हमारा कल से भी अच्छा रहा और कम समय में, आज हम निकले भी लेट थे थोड़ा सा, प्राइवेट बुकिंग थी सबसे पहले, वो तो पहले से ही बुकिंग लगी हुई थी लेकिन पिकअप उनका 2 बजे था, फिर 4 बजे का हुआ, फिर पहुंचे उनके पास 5 बजे। तो स्टार्टिंग जो की थी वो 4 घंटे के रेंटल से की थी, लगभग 900 रुपये मिले थे। उसके बाद यहाँ से ओला के लेके गए हुए थे लखनऊ एयरपोर्ट, जो कि IIT से हमारा पिकअप था, उसका लगभग 1300 रुपये हमको मिला था, तो ये हो गया 2200 रुपये। और 1600 रुपये जो है हम प्राइवेट किए हैं जो कि लखनऊ से हम लेके आए हुए हैं नवाबगंज, तो 1600-2800 रुपये भाई टोटल काम हुआ है हमारा। 1000 रुपये खर्चा मान लेते हैं, फिर भी जो है 2800-2500 रुपये तो आराम से बची गएंगे, टोल वगैरह भी निकाल देते हैं क्योंकि इसमें टोल इसी में इंक्लूड था हमारा, 2500 में 1600 रुपये में ही टोटल। तो भाई अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और यहाँ CNG हमने करा लिए फुल। तो भाई हमारे इस ब्लॉग में सभी भाइयों का जो है अब गुड नाइट, रात हो रही है, यहीं से अपना जो है हम इस ब्लॉग की समाप्ति करेंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, आप लोग अपना ध्यान रखिए, कल एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए।